हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ठाकुर जी की कृपा से। तो आज मैं वट शिवरात्रि की वीडियो लेके आई हूँ। जो वट शिवरात्रि में क्या क्या सामग्री चाहिए पूजा के लिए, वो सारी चीज़ हम दिखाने वाले हैं। जो इस बार नए कन्या के विवाह जो हुए हैं वो पूजा अपने शुरू कर सकते हैं, आरम्भ कर सकते हैं। 19 मई को वट शिवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो इस बार जो भी नए कन्या जो है वो अपना व्रत को आरम्भ कर सकते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वट शिवरात्रि के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, वो सारी चीज़ आपको हम दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलते हैं, दिखाते हैं। पहले हम दिखाएंगे आपको सुहाग की चीज़, जो ब्राह्मण को हम दान क्या क्या कर सकते हैं। तो आपसे जो भी आपको समर्थ लगे, जो भी आपको जितना बन पड़े, आप ब्राह्मण को अपने दान कर सकते हैं, अपने अनुसार दान कर सकते हैं। क्या क्या दान करना है मैं तो अभी आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने ली हूँ। तो मैं इसी को दान करूँगी। देख सकते हैं ये पूरे सुहाग की चीज़ हम सारी चीज़ को ले लिए हैं, साथ में दक्षिणा भी हम रख लिए हैं, फल फूल भी रख लिए हैं। आप जो है आप और भी फल ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या ज़रूरत होती है वट शिवरात्रि में, और दान भी किया जाता है। दान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। तो ये इसमें दान कीजिएगा तो आपको काफ़ी फल मिलेगा। तो वट शिवरात्रि में जो है दान बहुत ही शुभ माना गया है, ब्राह्मण को तो दान देना ही चाहिए। देख सकते हैं ये सारे सुहाग की चीज़ ले लिए हैं। आपको अगर वस्त्र बनता है तो वस्त्र भी दें ब्राह्मण को। तो इस तरह से मैं एक नारियल भी लिए हूँ कलश पर रखने के लिए। ये नारियल जो है पानी वाला है तो इसको हम कलश पर रखेंगे। तो इस तरह से सारी सामग्री जो है वस्त्र के साथ दक्षिणा भी ले लिए हैं साथ में। आप जैसे ही आप पूजा आरम्भ करने के बाद कथा सुनते हैं, अगर आप खुद से कथा करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, घर पर करते हैं तो खुद से भी कथा सुन सकते हैं। नहीं तो आप जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करने, वहाँ ब्राह्मण लोग जो है कथा सुनाते हैं, तो उसी समय जो है दान दक्षिणा हम दिया करते हैं। तो उसी समय हम जैसे फ्रेंड्स हम करते हैं उसी तरह आपको हम बता रहे हैं। जैसे मुझे तो करते हुए 10 से 12 साल हो चुका है तो काफ़ी अनुभव हो गया है कि वट शिवरात्रि में जो है दान कितना से कितना किया जाता है। आपको अगर समर्थ है ज़्यादा देने के लिए तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, जितना आपको अनुसार साधन लगे उतना आप दान दे सकते हैं। तो ये हो गया दान का सामान जो हम दान देने वाले हैं। तो फल फूल के साथ वस्त्र भी दक्षिणा भी साथ में निकाल लीजिए, जब पूजा करने जाएँ तो उसी समय आप लेते जाइए। और मंदिर में पूजा करते हैं तो उसी समय कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को दान देकर आप घर पर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं पूजा की चीज़, जो पूजा में क्या क्या ज़रूरत होती है तो वो सारी चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए एक आप छोटी सी आपको मिट्टी की कलश लेनी है, उस पर इस तरह से आपको एक कटोरी रखना है। तो मैं सिर्फ मिट्टी का कलश ली हूँ, इस पर एक मिट्टी का ढक्कन जो होता है वो नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं इस पर एक कटोरी ही रख कर इस पर हम कलश बैठाएंगे। वहीं जहाँ पूजा करेंगे पेड़ के पास पूजा होता है, वट शिवरात्रि वर का पेड़ जो होता है वहीं पूजा होता है फ्रेंड्स। तो वहीं हम कलश को ये वहाँ स्थापना करेंगे। उसके बाद जो है पूजा करके ये कलश वहाँ छोड़ा नहीं जाता है, ये इसको आप पानी साथ जो इसमें पानी भरेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें आपको पानी घर पर लेके आना है। वो पानी जो है जो आपके पति जो हस्बैंड है वो ग्रहण करेंगे, तो उनके लिए जो कलश है ये बनता है। तो ये पानी वहाँ छोड़ा नहीं जाता है, आप घर पर लेके आ सकते हैं। और ये पहला पानी जो है उन्हीं को पिलाया जाता है। तो पूरी जानकारी हम दे रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ आधी नहीं दे रहे हैं। जैसे हम जितना साल से हम कर रहे हैं इसी तरह हम करते हैं पूजा, और उसी तरह आपको हम बता रहे हैं। तो ये गूगल पर आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। देखिएगा तो आप तो जान लिए कलश के बारे में, जो ये कलश वहाँ हम बनाएंगे तो इस कलश में पानी भरेंगे, उसके बाद हम इस पर वो नारियल जो फल है वो रखेंगे। ये तो नारियल फल नहीं है तो आप एप्पल वगैरह भी रख सकते हैं, एप्पल रख कर चाहे तो बनाना है वो, तो बनाना का ऋतु जो है आ चुका है, बनाना भी मिल जाएगा। जो भी मार्केट में फल जो मिल रहे हैं उस तरह उस फल से आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं जो भी मिलेगा मैं उस पर ये कलश बनाकर, बाकी ये जो कलश का पानी है आप घर पर लेके आना और अपने हस्बैंड को ये पानी पिलाया जाता है। तो देखिए मैं हुमाद ले ली हूँ, जो वहाँ पर जी हवन करेंगे वहाँ पर जी, तो हुमाद हम जलाएंगे, तो हुमाद होना जरूरी है, माचिस है। तो ये धागा जो है 108 बार हम जो पैर में जो बांधा जाता है एक फेरी लिया जाता है, तो 108 बार चाहे तो आप 21 बार या तो 51 बार भी ले सकते हैं या तो 11 भी ले सकते हैं। तो आपको जैसी इच्छा हो आप उतना ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इससे बड़ी आपको अगर मौली मिलती है तो बड़ी भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं इस तरह से 3-4 ले ली हूँ। तो इसी को हम पेड़ बर की जो पेड़ होती है उसमें हम बांधना रहता है। तो 108 बार हम तो करते हैं, तो 108 बार हम इनको लगाएंगे वट शिवरात्रि में बर के पेड़ में। तो पूजा के लिए दोस्तों देखिए ये देखिए अक्षत है,
कुमकुम है, सिंदूर है और ये हल्दी पाउडर है। तो हल्दी पाउडर से हम ऐपन बनाएंगे जो कलश में लगाया जाता है। फल फूल में सब चीज़ में आप उसको लगा सकते हैं। इधर देखिए हल्दी है, कुमकुम है और थोड़ी सी चावल इसमें। चावल अगर सादा है तो कोई बात नहीं, अगर चावल को आप कलर कर सकते हैं घर पर। तो एक दिया है जो हम कलश पर वहाँ पर जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पर हम ये दिया जलाएंगे। कपूर है, धूप है। तो इस तरह से आप पूजा के सामान आप इस तरह से आप लेकर वहाँ आराम से जा सकते हैं और आराम से पूजा कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप अपने लिए जो सुहाग निकाले हैं तो हम अपने लिए क्या क्या सुहाग निकाले, आपको जितना समर्थ लगे उतना आप निकाल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो आप देखें नहीं, तो एक पंखा है। तो इस तरह से पंखा रहता है जो पूजा करने के बाद वहाँ, इसको पहले इसको भी पूजा किया जाता है फ्रेंड। इस तरह से आप एक तार की पंखा आती है तो उस तरह की आप पंखा ले लें। तो एक पंखा मैंने ले ली हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पंखा को भी पूजा किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ ब्राह्मण जो रहते हैं वो सब बता देते हैं कि कैसे पूजा किया जाता है। तो सब कुछ वहाँ पर ही मिल जाता है। तो इस तरह से ये हो गया पूजा की सामान। साथ में ये आप चना ज़रूर ले जाइए क्योंकि ये 108 बार जो फेरी लगाते हैं ना, तो उसमें 108 बार ये आपको ये इस तरह से ले लेनी है गिनकर। तो ऐसे जो फेरी लगाने में समय जो होता है उसमें आप गड़बड़ नहीं होगा, जिस आराम से हो सकता है इसमें इस 108 बार आप इसको दाना को ले लीजिए, उसके बाद फेरी लगाना शुरू कीजिए। और ये तो होना ज़रूरी है क्योंकि चना बिना तो पूजा अधूरा रहता है। तो चना को आप इस तरह से फुला लें और पूजा में रख लें। तो ये ले जाना मत भूलिएगा, चना ज़रूर रहता है पूजा में। तो इसको हम इधर रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम दिखाते हैं जो अपने लिए सुहाग की चीज़ क्या निकाले हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर रखना है। जितना बन सके उतना आप रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा जो है जो अपने लिए सिंगार का सामान निकालते हैं, जो अपने जैसे जैसे आप यूज करते हैं, जितना चीज़ आप यूज करते हैं वो सिंगार आप सब कुछ रख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप ये नहीं रख सकते, वैसे सारी चीज़ रख सकते हैं। मेन चीज़ क्या होता है कि इसमें आप बिछुआ ज़रूर रखिए क्योंकि इसका ज़्यादा महत्व होता है पूजा में। तो इस बिछुआ को ज़रूर रखिए। इस तरह से आप बिछुआ ले लीजिए सिल्वर का। तो इस तरह से बिछुआ ले लेते हैं, ये चांदी का फ्रेंड्स यह है। तो इस तरह से आप बिछुआ ज़रूर रखनी चाहिए, वर्ष शिवरात्रि में तो ज़रूर ही रखना चाहिए बिछुआ, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है सुहाग का चीज़, ये मेन चीज़ होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम बिछुआ भी रख लिए हैं। तो जितने भी आप सुहाग में यूज करते हो सारे चीज़ को आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं चाहिए। देख जो भी आप यूज करते हो, क्रीम वगैरह जो भी आप सुहाग में आप यूज करते हैं, सिंदूर है, लिपस्टिक है, आलता है, मेहंदी है, काजल है, जो भी क्रीम आप लगाते हो सारी चीज़ आप, बिंदी है, नेल पॉलिश है, सारे चीज़ को रख सकते हो। जितने आप जितने कलर की चूड़ी लगाते हो सब मिलाकर आप रख सकते हो। तो आप जो भी आपको समर्थ लगे आप उतना अपना रख सकते हैं। अपने लिए वस्त्र रख सकते हैं, पति देव के लिए आप वस्त्र रख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कुछ मिलता है तो एक रुमाल भी रख सकते हैं, या तो कपड़ा बनता है तो कपड़ा भी रख सकते हैं। तो मैं हर साल अलग अलग चीज़ भी रख लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक ही साल सब चीज़ होना ही चाहिए। तो कुछ भी होता है बाकी एक चीज़ तो रखना ज़रूरी होता है क्योंकि वट शिवरात्रि का मतलब यही होता है कि वर के लिए, वर के लिए पूजा कर रहे हैं। तो वर क्या होता है, वो पति देव के लिए ही होता है। इसके लिए वो आपको उनके लिए एक वस्त्र जरूर रखनी चाहिए जो भी आपको उपलब्ध हो। या अगर क्रीम रखना है तो क्रीम रख सकते हैं, नहीं तो जो भी यूज करते हैं वो चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना बता रही हूँ, जैसे मैं शुरू से आज तक मैं करते आ रही हूँ, वो गूगल पर नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो जैसे मैं करती हूँ उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारी है, जो अपने लिए ये चीज़ है, जो भी हम यूज करते हैं सारे चीज़ सुहाग की, वो सारी चीज़ हमने इसमें रख लिए हैं। ये सारे हम ले जाएंगे जहाँ पूजा रखेंगे वहाँ भी इसको हम वहाँ रखेंगे, उसके बाद ही इनको यूज करेंगे। पहले यूज नहीं करना है, पूजा करने के बाद आप अगर इसमें से किसी को देना चाहते हैं सुहागन को तो दे भी सकते हैं। अगर नई कन्या है, इनको शादी नहीं हो रही है, उनको भी दे सकते हैं। अगर नई कन्या है, आपके माता बहन जो भी है, ननद है, जो भी है, चाची हैं, जो भी है, उनको आप इसमें से अपना सुहाग का चीज़ इसमें दे सकते हैं। अगर नई जिसको शादी नहीं हो रहा है नई कन्या को, तो ये देने से शादी उनका जल्दी हो जाता है। तो ये जरूर ये नियम जो है ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मन इच्छा है तो इसमें से आप अपना सुहाग का चीज़ नई कन्या को दे सकते हैं, जैसे उनकी शादी नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये हो गया जो भी आप यूज करते हैं सारे चीज़। परफ्यूम है, बिछिया तो आपको हम दिखा दिए हैं, तो बिछिया भी ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स क्योंकि बिछिया का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से आप सिंगार का सामान अपने लिए निकाल लीजिए और साथ में इनको साथ में पूजा करने के लिए ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि ये वहाँ ले जाना होता है। नियम जो है वही आप करिए। तो ये हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको वस्त्र, जो अपने लिए वस्त्र निकाले हैं।
ये देखिए दोस्तों, एक मैंने ये साड़ी जिस कलर का काला छोड़ा कर आप कोई कलर का आप वस्त्र रख सकते हैं पूजा में, ताकि वो बाद में अपना यूज कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। अगर आपको रुमाल नहीं मिलता है, आपको अगर ज़्यादा नहीं बन पाता है, तो आप एक रुमाल भी रख सकते हैं, एक तौली भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ताकि एक हस्बैंड का सामान ज़रूर रखिए पूजा में। ये देखिए हम ले लिए हैं एक कपड़ा और एक अपने लिए भी रख लिए हैं। इस तरह से हम हर साल जो है इसी तरह हम पूजन करते हैं। तो ये हम साइड कर देते हैं। तो सारी चीज़ आपको हम दिखा दिए हैं कि पूजा में जो है क्या क्या सामग्री लगती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं पूजा जब हम करेंगे तो उसका भी वीडियो सोचे कि बनाएं कि पूजा भी कैसे किया जाता है, तो उसका भी शूट जरूर करके हम वीडियो में डालेंगे, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि अगर घर पर करें तो घर का वीडियो बनाएँ, अगर हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वीडियो जो है बनाने में नहीं बनता है। अगर हम घर पर करते हैं तो घर पर जैसे हम करेंगे उस तरह से हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।